शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेताओं का आज यहां पर जो विरोध प्रदर्शन था, हमारा विरोध प्रदर्शन गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही हम यहां पर जनता से भी अपील करते हैं कि घिनौनी और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाए इन DDC चुनावों के अंदर। देखिए, गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी मात्र बयानबाजी तक ही सिमटी है, किसी तरह की ठोस कानूनी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा रहा। मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी नेताओं के पास DDC चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15 महीने में राज्य बहाली का दर्जा बहाल किया जाता है, विकास, रोजगार, 4G तमाम इश्यूज को लेकर जनता सड़कों पर है, जनता के किसी भी इशू को यहां पर हल नहीं किया जाता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने गुपकार अलायंस के नेताओं को खुली छूट दे रखी है, ताकि वह अपनी इसकी आड़ के अंदर, गुपकार अलायंस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। जनता से अपील करता हूं कि शिवसेना पहले ही इन चुनावों का बहिष्कार कर चुकी है और जनता भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए EVM मशीनों में उस दिन जाकर नोटा का बटन दबाए, ताकि चुनाव आयोग को भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव नहीं, अपने इश्यूज का हल चाहती है।